चलिए तो आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सीटेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मेरे दोस्त, हम लोग लगे हुए हैं कि सिप की तैयारी में, तो बीपीएससी शिक्षक की तैयारी में। तो फटाफट सारे लोग को बुला लीजिए, शेयर कर दीजिए। और प्रत्येक बार हम लोग एक ही बात बोलते हैं कि भाई हमारी पहचान आपसे है, हमारी पहचान मेरे दोस्त किससे है, आपसे है। आज हम लोग 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। कल आने वाले थे लेकिन कल नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम आप लोगों के बीच नहीं आ पाए, ठीक है। चलिए, आवाज क्लियर सारे लोग को जा रही है या नहीं ये बता देना। थोड़ा लाइट का डिस्टर्ब है, कल ऑफलाइन क्लास में थोड़ा हम ज़्यादा बिजी हैं जिसके कारण ऑनलाइन प्रत्येक दिन नहीं आ पाते हैं। कोशिश हमारी रहती है आ जाए, लेकिन ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा बिजी की वजह से आप लोगों का किसी किसी दिन क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और इसका भी काम करवा दिया जाएगा लाइट का, ताकि आप लोगों को दिक्कत आगे ना हो। चलिए, तो क्या शुरू हो जाए, शुरू किया जाए बाबू? सबसे पहला क्वेश्चन, उत्तर जवाब दे देना, जवाब दे देना। निम्नलिखित बैक्टीरिया में कौन सा अर्धविराम के आकार का होता है? फटाक से जवाब देना मेरे भाई, मेरे दोस्त, फटाफट जवाब देना, फटाफट। क्या उत्तर होना चाहिए? वाह, गजब है, गजब गजब है। क्या होगा? विब्रियो। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया अर्धविराम के आकार का होता है? विब्रियो। चलिए आगे क्वेश्चन का जवाब देना। जल्दी बता देना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सोना, मेरे जिगर का टुकड़ा। निम्न में से कौन सा एल्गी एक कोशिकीय होता है? फटाक से बता। एल्गी सैवाल कौन सा एक कोशिकीय होगा? क्लेमाइडोमोनास। कौन होगा? क्लेमाइडोमोनास। स्पाइरोगाइरा सैवाल है लेकिन ये बहुकोशिकीय होता है। फटाक से बता देना। वाह, गजब है, सारे लोग को ये उत्तर आना चाहिए। फटाफट मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर का टुकड़ा, फटाक से बता दे। क्या होगा? मलेरिया बुखार में से किस प्रोटोजोआ के कारण होता? क्या होगा मेरे भाई? तो इसका उत्तर होगा प्लाज्मोडियम। क्या होगा? प्लाज्मोडियम, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। क्या आप लोगों को क्वेश्चन ठीक से दिख रहा है भाई? ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रही है ठीक से? कौन से सूक्ष्मजीव की मदद से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाया जाता? जल्दी बता देना। पेनिसिलिन, जल्दी। वाह, गजब है, गजब। आत्मा मेरा बाग बाग हो गया। क्या होगा? कबक की वजह से। फटाक से बता दे। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो मेरे दोस्त, पोलियो किसके कारण होता है? जल्दी बता दो खटाखट, किसके कारण मेरे भाई? वाह, गजब है, वायरस। क्या होगा? वायरस। आगे की बात कीजिए। घर्षण कौन सा बल है? जल्दी बता देना। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में आता है, इसलिए संस्पर्श बल कहते हैं। लोटनिक अस्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण, लोटनिक अस्थैतिक सर्पी घर्षण के कारण
बल्कि घटते क्रम। तो घटते क्रम में पहले बरका आता, बरा वाला। तो सबसे बड़ा घर्षण होता अस्थैति, फिर होता सर्पी, फिर होता लोटनी। विकल्प नंबर के ता सी होगा, ठीक है। सबसे पहले अस्थैति, फिर सर्पी, फिर लोटनी होगा। आवृत्ति का मात्रक होता है, जल्दी बताओ, जल्दी फटाक से, सारे लोगों को आना चाहिए। आवृत्ति का मात्रक क्या होगा, जल्दी बता दो। बन गया रे, आवृत्ति का मात्रक, वाह गजब है गजब, दिल बाग बाग हो गया। क्या होगा, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता बाबू, हर्ट्ज। निम्नलिखित में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति, किसकी वाक ध्वनि होता आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना। तो देखो आवृत्ति की बात कर रहे हैं, तो ध्वनि के दो प्रमुख घटक होते हैं, एक आयाम और एक आवृत्ति। तो आयाम ज्यादा होता है मोटा आवाज, और आवृत्ति ज्यादा होता है पतला आवाज। तो जिसका मोटा आवाज होगा उसकी आवृत्ति कम होगी। कह रहा है कि आवृत्ति न्यूनतम, छोटी लड़की का कि छोटा लड़का का कि महिला का कि पुरुष का। तो पुरुष का आवाज मोटा होता है इसलिए आवृत्ति कम होगी, विकल्प नंबर सी। ध्वनि संचरित हो सकती है, ध्वनि गमन हो सकती है, कहां कहां गमन होगी जल्दी बताओ। उम्मीद है कि कल बिहार का क्वेश्चन लेके आएंगे, कल किसका क्वेश्चन लेकर आएंगे बाबू, बिहार का क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन करेंट घुसा देंगे। क्या घुसा देंगे, करेंट, ठीक है। कल बिहार का क्वेश्चन लाएंगे, कुछ क्वेश्चन करेंट घुसाएंगे, और जो लोग ऑफलाइन क्लास से जुड़े हो उनको ये सूचना मिलना अत्यंत महत्वपूर्ण है और जरूरी है कि शुक्रवार और रविवार को एक महामैराथन क्लास रखा जा रहा है, केवल और केवल ओनली फॉर एनसीईआरटी साइंस का, एनसीईआरटी साइंस का एक दिन रखा जाएगा, एनसीईआरटी साइंस का एक दिन रखा जाएगा, एसईआरटी साइंस का और एक दिन रखा जाएगा, एसईआरटी 3 से लेकर क्लास 8 तक के ईवीएस का, और एक दिन रखा जाएगा एनसीईआरटी के क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक के एनसीईआरटी ईवीएस का, ठीक है। यहां से हम लोग पकड़ेंगे 40 नंबर, और 1 तारीख को मैथ्स का कुछ टॉप टाइप आपको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो मेरे दोस्त जो नए हैं इससे जुड़े रहना चाहते हैं, यदि आप नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर जबरदस्त करें। मेरे भाई आते हैं मुद्दा की बात, और क्लास को कोई मिस मत करना। ध्वनि संचरित हो सकती है ठोस, द्रव और गैस तीनों में, ज्यादा तेज गति से, ठोस में उसके बाद द्रव में उसके बाद गैस। जल्दी बता देना, तरित चालक की लंबी छर। तो देखिएगा ये आपकी प्राकृतिक परिघटना की बात है, और ये आता है भूसंपर्कन, भूसंपर्कन की व्यवस्था के लिए धातु की परत डाली जाती है, और यदि किसी भवन बने हुए देखते हो इस पर कोई छर है,
इसके द्वारा तरित होकर जमीन में आती है, तो इसी क्रिया को भूसंपर्कन कहते हैं। और भूसंपर्कन में धातु की प्लेट लगी होती है, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु स्थित है तो उन दर्पणों में से उस वस्तु के बनने वाला आभासी प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो सुन लेना मेरे दोस्त, यदि समतल दर्पण की बात हो तो इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब निकालने का 360 बटा थीटा माइनस वन। क्या होता है? 360 बटा थीटा माइनस वन। यदि ये कट के सम आ जाए तो माइनस वन, विषम आ जाए तो वही डिजिट उत्तर होगा। लेकिन जब दो समानांतर रूप से लगा हो तो इसका उत्तर अनंत होगा, इन्फिनिटी। नेत्र गोलक के सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही को कहते हैं सूक्ष्मग्राही परत, को कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं बाबू? रेटिना कहते हैं, भीतरी परत को रेटिना, जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। बनेगा सामान्य आंख के लिए अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो मेरे दोस्त 25 सेंटीमीटर होती है। सारे लोगों को ये याद होगा, ये हलवा क्वेश्चन है, हलवा। इनमें से किसने दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति तथा दृष्टिहीनता के लिए एक लेटर का आविष्कार किया? किसका आविष्कार किया? एक पद्धति का, एक लेटर का। हेलन केलर तो थी दृष्टि बाधित, लेकिन इन्होंने नहीं किया। चार्ल्स बर्बेज नहीं होगा। कौन होगा? लुई प्रे। कौन होगा? लुई प्रे। बिंदु पूछेगा, अच्छा बिंदु के तो पैटर्न पूछेगा, 63 याद रख। निम्नलिखित में से कौन सा तारा है? टाइटन नहीं है, डाइमोस नहीं है, पुच्छल तारा नहीं है, अल्फा सेंचुरी एक तारा है। क्या है? अल्फा सेंचुरी एक तारा है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? सौर परिवार का सदस्य शुद्र ग्रह होगा, उपग्रह होगा। उपग्रह होगा, धूमकेतु होगा। धूमकेतु होगा, तारामंडल नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है? सौर परिवार के सदस्य को बांधे हुए कौन रखता है? गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल, नाभिकीय बल। तो जहां तक हम लोग जानते हैं कि दुनिया के सारे दो पिंडों में एक आकर्षण बल लगता और उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, विकल्प नंबर। निम्नलिखित में से हुआ कौन सा ग्रह है जिसकी खोज होने से पहले उसको सही सही भविष्यवाणी की जा चुकी थी? तो सबसे पहले भविष्यवाणी की जा चुकी थी उसको पहले से, नेपच्यून। किसको किया गया था बाबू? नेपच्यून की भविष्यवाणी खोज से पहले की जा चुकी थी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है लगभग, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है लगभग 8.3। है तो जरूर 8.3, लेकिन क्या 8.3? प्रकाश वर्ष नहीं, प्रकाश घंटा नहीं, प्रकाश दिन नहीं, प्रकाश मिनट होगा। कौन होगा? प्रकाश मिनट। गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? रसधानी में नहीं, कैम्ब्रिका और कैम्ब्रक। सबसे बेहतर कौन होगा? बेहतर क्या पाया ही जाता है? कैम्ब्रक। यहां सीडीपी तो है नहीं जो सबसे बेहतर ढूंढेंगे। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है, प्रोटीन का संश्लेषण किससे संबंधित है? राइबोसोम से। किससे संबंधित है बाबू? राइबोसोम से। मानव जीवन की वह अवधि
जब शरीर जनन योग्य बन जाता है क्या कहलाता है? शरीर का जनन योग्य जब बनता है तो इसे किशोरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? किशोरावस्था कहते हैं। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव के समान अवधि क्या है? तो 28 से 30 दिनों का होता है, लेकिन दोनों विकल्प है, इसलिए उत्तर हम लोगों को 28 दिन करना होगा। बल में होता है, बल का केवल परिणाम होता है, केवल दिशा होता है, परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। देखो 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, क्या और इसको आगे बढ़ाया जाए? यदि आप तैयार होंगे तो और आगे बढ़ाएंगे। जरा फटाक से कमेंट में लिखो कि क्या और आगे बढ़ाया जाए या नहीं। चलिए तो बताना, भार का मात्रक होता है, भार का मात्रक न्यूटन भी होता है, किलोग्राम भी होता है, अर्थात इसका उत्तर क एवं ख दोनों होगा, विकल्प नंबर सी हो जाएंगे। पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को, देखिएगा पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि को सबसे ज्यादा उपयुक्त किया गया? सबसे ज्यादा पहाड़ी ढाल पर मृदा के लिए यूज किया जाता है समोच्च रेखीय जुताई। कौन किया जाता है बाबू? समोच्च रेखीय जुताई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढाल पर मृदा अपरदन को, जब कोई तीव्र ढाल हो, खड़ी ढाल हो, तो यहां पर वेदिका फॉर शादी में जो बेबी बनाया जाता उसी रूप का एक किया जाता है, क्रिया पद्धति क्रियाकलाप करवाया जाता, जिसके कारण मृदा अपरदन को रोका जा सकता। तो जब सीधे कहेगा तीव्र ढाल पर तो वेदिका फॉर। गिद्ध के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? आप लोग सीटेट में ज्यादा पढ़े होंगे, ठीक है, गिद्ध के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? नदियों का प्रदूषित जल, अम्लीय वर्षा, गिद्ध का तनिक शिकार, क्या होगा? डिक्लोफिने एस्प्रिन जैसे पीड़कनाशी। तो गिद्ध जिस जानवर को खाता है उसके इलाज में डिक्लोफिने एस्प्रिन और एक और दिया जाता है आइब्रूप्रोफेन, इस प्रकार की चीज को दिया जाता है। वर्तमान और भविष्य के पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्र की परिस्थिति एकता के रक्षा के लिए, कह रहा है कि एक या एक से अधिक पारितंत्रों के पारिस्थिति एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक शत्रु को क्या कहते हैं? तो जब एक या एक से अधिक घटक आएगा तो इसको कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहते हैं बाबू? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन से मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? काजू जो हम लोग खाते हैं उसके लिए सबसे बेहतर मृदा क्या हो? तो लेटेराइट। क्या होगी? लेटेराइट मृदा। लवणीय मृदा में किन खनिज पदार्थों का अनुपात अधिक होता है? करें कि लवणीय मृदा में किस प्रकार की, तो यहां सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम सारा होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से कारक मृदा अपरदन को प्रभावित करता? तो देखिएगा मृदा अपरदन को प्रभावित करने में कई घटक हैं, उच्चवाच, जलवायु, वनस्पति, समय। एक क्वेश्चन ज्यादा आता है समय से कि मृदा परिच्छेदिका को, मृदा निर्माण का कौन सा घटक मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करता? तो समय। कौन होता? समय। मृदा के विभिन्न परतों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक जैव पदार्थ का खनिज पदार्थ
पोषक तत्व जल से संजोग सबसे ऊपरी परत क संसस्तर है। तीन पार्ट होता ए बी सी। तो ए वाले पार्ट में ज्यादा ह्यूमस होता, छोटे छोटे पौधों की जड़ें होती, छोटे छोटे जीवों का आवास स्थान होता। बी नंबर में खनिज लवण ज्यादा होते, सी नंबर में केवल और केवल कठोर भाग होता। तो निर्माण पहले होता सी, लेकिन ज्यादा उपयोगी रहता ए। अब क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि जल से संजोग सबसे ऊपरी परत करती है, तो सही बात है। फिर का मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सबसे नीचे की परत सबसे पहले बनती है, सही बात है कि आधार पहले बनता, इसलिए इसका उत्तर ए और बी दोनों। ठीक है, आगे की बात करते हैं। भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपयुक्त प्रकार कौन सा है? व्यापक और सर्वाधिक जलोढ़ मृदा। कौन होगा? जलोढ़ मृदा। और यदि इसका मात्रा पूछे तो हो जाएगा 40.3%। कितना हो जाएगा? 40.3% हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 40.3 नहीं, हाँ हाँ 43% होगा। 43 हमसे मिस्टेक हो गया, 40% था, 3% हमने बढ़ाया तो हम 40.3 कर लिया, नहीं 43%। आप लोग एकदम सही है, 43% होगा, मिस्टेक हो गया। निम्न में से कौन सा मृदा को रेगूर कहा जाता? रेगूर मृदा किसको कहते हैं? तो काली मिट्टी को कहते हैं, इसी को मृणमय कहा जाता है, इसी को चिकनी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? चिकनी मिट्टी। लाल मृदा का रंग लाल होने का क्या कारण है? तो होगा लोहे की ऑक्साइड। किसके कारण होता है? लोहे की ऑक्साइड के कारण होता है। विकल्प नंबर डी हो जाए। किसका उपयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है? लवणता एवं क्षारीयता दोनों की समस्या का समाधान जिप्सम डालकर कर सकते हैं। किसको डालकर कर सकते हैं बाबू? जिप्सम डालकर कर सकते हैं। मृदा अवकर्षण का क्या तात्पर्य है? अवकर्षण, तो मेरे दोस्त अवकर्षण का मतलब होता है उर्वरता में कमी, उर्वरता का ह्रास। विकल्प नंबर ए आपका उत्तर होगा। उर्वरता का क्या होगा? ह्रास। उत्खात भूमि, बहुत ज्यादा बेहतर क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है कि उत्पाद कृषि। तो पहले मृदा अपरदन दो प्रकार का होता है, एक परत वाली और एक तीव्र ढाल पर जल वाली। तीव्र ढाल पर जलवायु कह रहा है कि किस प्रकार के मृदा अपरदन के परिणाम को स्वरूप है? तो अवनालिका अपरदन। तीव्र ढाल वाले को कहते हैं अवनालिका। तो यहां उत्खात भूमि का विकास किसके कारण होता है? अवनालिका अपरदन एक प्रकार है जिसमें तीव्र ढाल से सारे को हटा दिया जाता। तो इसका उत्तर होगा सी नंबर। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सौर विकिरण करने के लिए सबसे ज्यादा विकिरण कौन करता, कौन दिलाता? तो जल चक्र की घटना। कौन दिलाता बाबू? जल चक्र की घटना दिलाता। ठीक है, आगे की बात हम लोग करते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, वनस्पति का मतलब पेड़ पौधे यदि समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो यदि पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाती है। क्या कमी होती है? ऑक्सीजन गैस की। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? कह रहा कि पर्यावरण की सुरक्षा से नहीं है। धारणीय विकास, वातानुकूलन धारणीय होगा, ये भी होगा, ये भी। गरीबी कम करना पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित कोई घटक नहीं। आगे देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां अवस्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, बहुतों लोग को पता होगा कि ये जो स्थित है यह है जेनेवा में। कहां है बाबू? जेनेवा में है। ठीक है, आगे की बात कहते हैं। एनईए से क्या आशय है? एनईए से तो नेशनल एनवायरमेंट
आत्रीति विकल्प नंबर कितना बी हो जाएगा। टीईपीए का पूर्ण रूप क्या है तो ये हो जाएगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, विकल्प नंबर कितना सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 में आया, कब आया था 1986। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीई को किस नाम से जाना जाता, बहुत बेहतर है किस नाम से जाना जाएगा, शरी मुबारक इको संरक्षण नियम पर्यावरण विधान नहीं, इसको छाता विधान कहा जाता है, इसका आश्रय प्रदान करने की। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक में कौन सा उत्पादक घटक है, कौन उत्पादित करने वाला घटक है, मोर गाय बा तो उत्पादित कौन करता, हरे पेड़ पौधे। जैविक एवं अजैविक संगठन के मध्य करें कि जैविक अजैविक के मध्य बिचौलिया का काम कौन करता तो जैविक अजैविक के बिचौलिया का काम करता उत्पाद, कौन करता बाबू उत्पाद करता। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही क्वेश्चन किए, थोड़ा जल्द भी कर लिए, फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन के साथ जब समय रहेगा। कल तो हो सकता है कि आपका क्लास हो जाए, चूंकि कल ऑफलाइन क्लास में छुट्टी है तो ऑनलाइन पर हम थोड़ा मेहनत कर सकते हैं। तो भाई जाते जाते वही बात, यदि जुड़ना चाहते हैं नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जबरदस्त करें, तो नया नया वीडियो जो आएगा वो आप लोगों को मिलते रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।